एक और फिजिक्स का जबरा ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन फोल्डिंग सिमेट्री वाले हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे फोल्डिंग सिमेट्री तभी आएगा जब आपको मिरर सिमेट्री आता है। आई होप आपने पहला वाला देख लिया है ट्रिक। ए और बी के अक्रॉस में मुझे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फोल्डिंग सिमेट्री में हमेशा ध्यान रखिए जिन दो पॉइंट के अक्रॉस में बोला है तो उसके ऊपर और नीचे या साइड बाई साइड पे, जैसा भी हो, ए और बी यहाँ पर है तो फिर मेरे को ऐसे ऊपर से नीचे देखना है कि क्या सब कुछ सेम है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ये वाले को ले जाकर के अगर मैं ऐसे पेज को फोल्ड कर दूँ तो फोल्ड करने पर क्या होगा, क्या ओवरलैप होगा? ये देखो, इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, बीच वाली खाली रहेगी। जो भी रेजिस्टेंस जिसके साथ ओवरलैप होता है हमेशा ध्यान रखना पैरेलल में होता है, यानी आर और आर का पैरेलल आंसर क्या होता है, आर बाई टू। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ, और नीचे आर किसी के साथ टच नहीं हुआ क्योंकि वो बीच में था जब आप ऐसे मोड़े, इस तरीके से सर्किट को आपने इस तरीके से मोड़ दिया। नाउ अब वापस इसके अंदर मिरर सिमेट्री लगाइए। मैंने जैसी लाइन खींचा तो लाइन के इधर और इधर सब कुछ सेम है, मतलब इस लाइन पर आ रहा रेजिस्टेंस को मैं खा जाऊंगा, आर बाई टू चला गया। तो अभी आर बाई टू सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया, इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर टू आर है, दोनों पैरेलल में है, तो टू आर का स्क्वायर अपॉन में टू आर प्लस आर, यानी फाइनल आंसर टू आर बाई थ्री। बच्चा लोग इस सर्किट को ध्यान से देखिए और इसका आंसर फोल्डिंग सिमेट्री मिरर सिमेट्री लगा करके आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर करिए और कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।